मथुरा में केशी घाट स्थित पोतुन पुल के पास यमुना किनारे साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसआई अमित कुमार ने बताया कि साधु की उम्र करीब 60 वर्ष प्रतीत हो रही है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। मथुरा थाना बरसाना की एक दुकान से पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली शराब बरामद की है। शराब की पेटियां बरामद करने के साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं तीन शराब माफियाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घर से नकली शराब का भंडाफोड़ होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मथुरा जिले के बरसाना में ये नकली शराब ऐसे समय में मिली जब पड़ोसी जिला अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 18 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटी व जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद मथुरा के थाना बरसाना में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर कल एक मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कपिल ठाकुर, कन्हैया बांके बिहारी व विनोद कुमार, इनके द्वारा काफ़ी दिनों से केमिकल व फ्लेवर व अन्य चीज़ों को मिला करके लगातार अवैध शराब बनाई जा रही थी, उसकी पैकेजिंग की जा रही थी। मथुरा थाना फरहा पुलिस ने ठगी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक ऐसा गैंग ऑपरेट कर रहा है जो नौजवानों को आर्मी में रिक्रूटमेंट के बहाने ठगता है व उनसे पैसे ऐंठता है। इस गैंग के तार उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ के नौजवानों को भी ठगा जा रहा है। इस संबंध में लगातार सूचनाएं संकलित की गई और पीड़ित द्वारा एक मुकदमा जनपद मथुरा के थाना खड़े पर पंजीकृत कराया गया। मथुरा में इस गैंग के 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। मथुरा थाना कोसी कला के तोमुला गांव में बीती रात गाँव वासियों और गौ तस्करों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। गोरक्षकों की आवाज पर गाँव वासियों ने गौ तस्करों को घेर लिया। दोनों ओर से अंधाधुंध गोलियां चली और पथराव हुआ। संघर्ष में गौ तस्कर की मौत भी हो गई। बाकी के 3 तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और एक फरार होने में कामयाब रहा। थाना कोसी कला क्षेत्र अंतर्गत तोमुला गाँव में कुछ लोगों के साथ मारपीट की गयी है। प्रथम दृष्टया यह गौकस बताए जा रहे हैं और इनको द्वारा बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों ने इनके साथ मारपीट की गई है। सात संकलन किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा 5 लोग बताए जा रहे हैं और फिर भी गहराई से जांच की जा रही है कि कुछ अन्य लोग होंगे तो फिर कार्रवाई। घटना गया उस सवेरे 3:30 बजे मुझे खबर मिली कि गौ तस्करों की गाड़ी गांव ने घेर ली है। अब गांव में पता नहीं भीड़ अड़ा पड़ी तो मेरे को जैसे ही सूचना गई मैं मोटरसाइकिल लेके गया, इस गाड़ी को खिंचवा के ले आया। 3 तस्कर है, उन्हें कुछ बुजुर्ग कुछ हम लोग मिल करके उनको बचाया, छुड़ा करके ले आ करके आपके कोकला भंज चौकी उनको सौंप दिया। सब गांव वालों ने मिल करके उन गायों को रोका, ईटा पार्टी कर दी, हम भी पहुंच गए कुछ बुजुर्गों ने, हमने इनको बचा करके चौकी दे दिया नंदगांव। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के शक्ति चौराहे पर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के आदेश पर सीओ गणेश कुमार ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को सीज भी किया गया। साथ ही सीओ गणेश कुमार ने लोगों से मास्क और हेलमेट पहनने की भी अपील की है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के निर्देशानुसार सघन वाहन चेकिंग का लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जो क्राइम है किसी भी तरह की चिनैती लूट या ठगी की घटना को रोका जा सके, अवैध वाहन चोरी को रोका जा सके और जो लोग बिना मास्क के चल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। जो भी संदिग्ध वाहन है या जो लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं बिना कागजों की गाड़ियां चला रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है, बिना कागज की गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। हापुड़ के थाना धोलाना में बने पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर होने के कारण लेंटर का कुछ हिस्सा गिरने से एम्बुलेंस कर्मियों में डर का माहौल बना हुआ है। छत का हिस्सा गिरने से कमरे में रखी एक चारपाई भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कमरे में रहने वाले एम्बुलेंस कर्मी बाहर होने की वजह से बाल बाल बच गए। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग से एक सुरक्षा कमरा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। ये भवन इतना करीब करीब 50 साल पुराना है और हम लोगों के लिए रहने के लिए यही दे दिया है इन्होंने। अब इसमें तो रात से हम लोगों को नींद भी नहीं आ रही है। आप जानते हैं कि हम यहाँ पर
जनता की सेवा कर रहे हैं, 108 102 गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन हम इस समय कोरोना से नहीं डर रहे हैं, इस समय हमें इस भवन से डर करते हैं। नहीं, हमारे लिए कोई दूसरा रूम यहाँ दिया जाए ताकि हम उसमें सुरक्षित। ये लेंटर गिराए रात भर भर आके, और हम बच गए, बाल बाल बच गए। हम पर आईडी आई थी, वो 5 मिनट पहले ही हम चले गए केस में। नुकसान, हमारी चारपाई भी टूट गई बिल्कुल। अगर हम होते तो शायद आज बोलने लायक भी नहीं होते उस टाइम पे। वो तो केस में चली गई गाड़ी, हम चले गए यहाँ से। अब हमें कोई ठीक भाव वो दिया जाए, कमरा दिया जाए। स्थिति एकदम जर्जर है, ये बिल्कुल ख़त्म ही है, आप देख ही रहे हैं। अयोध्या जिले में अनलॉक होने के बाद अब सड़क के किनारे रेड़ी लगाने वालों की भी कोरोना संक्रमण की जांच करवाई जा रही है। शहर के चौक घंटागढ़ क्षेत्र में डीएम अनुज झा और सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने मौके पर पहुंचकर कोरोना जांच की शुरुआत करवाई। फल, सब्जी और अन्य रेड़ी लगाने वालों का एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों जाँच की जा रही है। शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो हमारा कोरोना कर्फ्यू से जब खुला है मार्केट, तो उसमें हमको जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी हमारे ऑटो रिक्शा चालक हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं जो ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, उन सभी का टेस्ट कराना है। तो उसमें फोकस टेस्टिंग के हिसाब से आज का दिन जो है, वो हमारे जितने भी वेंडर्स हैं जो स्ट्रीट में फ्रूट या वेजिटेबल्स या इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, क्योंकि वो बार बार हाथ से छूते हैं और लोगों को देते हैं, तो ये आवश्यक है कि वो नेगेटिव कोरोना, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबका आज जो है एंटीजन आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट कराया जा रहा है। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर हरिवंश गांव में बीते 28 मई को हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का अयोध्या पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि संपत्ति के लालच में बेटी और दामाद ने ही मिलकर लोहे की रॉड और ईंट से कुचलकर हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना को मृतक के बेटी और दामाद, जो उनकी इकलौती बेटी थी और जो दामाद, उन्होंने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, और इसको एक नाटकीय रूप देके ये प्रोजेक्ट किया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों की हत्या कर दी है। मृतक ने अपनी पूरी संपत्ति जो है अपनी पुत्री के नाम से कुछ वर्ष पहले वसीयत कर दी थी, परंतु उसके उपरांत उस जमीन का कुछ हिस्सा उन्होंने दूसरे को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के एवज में उन्हें धनराशि भी प्राप्त हुई थी, और इसके बाद भी कुछ ज़मीन को उनकी बेचने की मंशा थी। जब इस मंशा के बारे में उसकी पुत्री को पता चला, तो पुत्री ने अपने पति के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश तैयार की।